तो ऐसी आवाज लगाई कि 15 मिनट में हिंदुस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? और मेरा नाम है इस्मान कुरैशी। वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत टाइम बाद यार हम वीडियो लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर अकबरुद्दीन साहब की वीडियो है। टाइटल में आप लोगों को बताया तो कि इधर लिखा हुआ ऐसा है कि मेरी माँ और बच्चों से भी मिलने नहीं दिया गया। ठीक है, और जेल में बड़ा इशू हुआ था इनके साथ। तो व्यूअर्स मेरे, ये बहुत प्यारे एक व्यूअर है। ठीक है, अमजद साहब है इनका नाम, और ये क्या नाम है, तेलंगाना स्टेट हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। तो इन्होंने मुझे पर्सनल डीएम किया था, तो क्या कह रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाई जाए। तो यार पहले इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। क्योंकि यार अकबरुद्दीन साहब की वीडियो जो भी होती है ना भाई, मोस्ट फेवरेट होती है। उस तरह के जो मतलब कह सकते हैं कि यार एक पॉलिटिक्स में अगर किसी ने भाई अपना नाम बताया तो वो अकबरुद्दीन साहब है, और असदुद्दीन अवैसी साहब तो पहले नंबर पे ही है। तो भाई पहले इनकी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय द स्टूडेंट स्पेशली वी आल्सो। 3, 2, 1 प्ले। मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। क्या हक बयानी और हक के लिए तुम हमको जेल में डालकर हमारी आवाज को दबा दोगे? तो दुनिया ने देखा 40 दिन जेल में रहे, लेकिन हम अपने हक बयानी से कभी मुंह नहीं मोड़े, और आज भी हम बेबाकी से खड़े होकर आपके हक के लिए, आपके इंसाफ के लिए लड़ते हैं। क्या जेल नहीं गए? क्या जेल में नहीं रहे? बोलना आसान है। कैसी जेल? बड़े बड़े 10 कमरों की बड़ी बिल्डिंग, एक एक कमरे में 100-100 कैदी रह सकते हैं। सबको खाली करा दिया, तन्हा अकेले रखा मुझे 40 दिन। पानी पूछता तो पानी नहीं देते ये बेईमान। पेट में दर्द खय हो रही है, खून निकल रहा है, लेकिन इन जालिमों ने कभी ले जाकर दवा खाने में डॉक्टरों को नहीं बताया मुझे। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी टूटा? नहीं, बिल्कुल। क्या कमजोर हुआ? ना टूटा ना कमजोर हुआ। तुमने पानी को तरसाया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये बीमार है, इसको घर का खाना दो। जब ऑर्डर लेकर गए तो जेलर ने कहा ये ऑर्डर कॉपी आपकी है, जेल से ऑर्डर की कॉपी हमारे नाम पर नहीं आई, हम नहीं दे सकते। ये जुल्म किया, मेरे जख्म कच्चे थे, टाके कच्चे थे, नीचे सो नहीं सकता था, बिस्तर भी नहीं दिया, एक चादर दी और कहा कि या तो ये चादर बिछा लो या ये चादर को ओढ़ लो। जरूरत के लिए जाना चाहता तो अंग्रेजी कमोड नहीं दी, ऐसा बाथरूम दिया, बैठना न बैठ सकता था न उठ सकता था, लेटा तो उठ भी नहीं सकता था। खाना दिया इन बेईमानों ने तो एक दिन मिर्ची भर के देते थे, तो एक दिन नमक भर के देते थे, एक दिन कंकड़ डाल के देते थे। अरे मेरा अल्लाह और मैं जानता हूं, पाक परवरदिगार की कसम, रसूल अल्लाह की कसम, इतनी तकलीफें उठाई 40 दिन, मैं और मेरा अल्लाह जानता है। ऐसा जुल्म, 6 बजे बंद करना होता है कमरों में, 5 बजे मुझे बंद कर देते थे। अरे 6 बजे है ना तो बोलते नहीं, पूरी जेल बंद करना है तो पहले यहां से शुरू कर रहे, वहां जगन को खुला रखते थे। उस वक्त जगनमोहन रेड्डी भी जेल में था, टीवी था, खाना था, जेल खुली थी, सब सहूलत थी, यहां पानी तक नहीं दिया गया। क्या हम टूटे? कहां कहां नहीं फिर आए। 40 दिन में 8,500 किलोमीटर मुझे फिराते रहे, कभी निजामाबाद, कभी आदिलाबाद, कभी ले जाकर संगारेड्डी, कहां कहां नहीं फिराए। क्या आलम था
पुलिस कस्टडी, पूरे कैमराज, 50 पुलिस वाले बंदूक लेके, एक कोई डरा रहा है, धमका रहा है, इंट्रोगेशन हो रहा है। अरे ऐसा दिख रहा था कि अकबर ओवैसी को नहीं उसामा बिन लादिन को पकड़ कर लाए। ये आलम, क्या हम टूटे हुए पूछना चाहता हूं, क्या टूटे कैद तन्हाई में डाल दिए, नहीं टूटे। पानी को तरसाए, नहीं टूटे। खाने को तरसाए, नहीं टूटे। मेरी बीवी और बच्चों को मिलने से रोका, नहीं टूटे। मेरी बूढ़ी माँ थक्के खाते खाते हैदराबाद से आदिलाबाद तक आई मुझसे मिलने के लिए, मेरी बूढ़ी माँ को मिलने नहीं दिया गया। मेरी बीवी मेरी हालत को देखकर कुटा हुआ गोश्त की एक शामी लेकर आई, तो इन बदमाशों दरिंदों ने उस शामी को खाने नहीं दिया। क्या हम टूटे? अरे ये दियानतदार, ईमानदार, अखलास रखने वाले, मिल्लत इस्लामिया के लिए मर मिटने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। अरे हमने काम किया, लोग बोले मर गया अकबर ओवैसी, तीन गोलियां खा गया, चाकू मार दिए, छुपा रहे हैं। फिर लोगों ने कहा कि जिंदा है लेकिन आवाज नहीं है, खत्म हो गया। दुनिया ने देखा, बिस्तर पे से उठा तो ऐसी आवाज लगाई कि 15 मिनट में हिंदुस्तान हिल गया। यार सारी बातें मैं बता दूं वीडियो के अंदर ना व्यूअर्स, मतलब आप ये देखें कि मतलब सारी वीडियो इमोशनल थी, ठीक है। बहुत दुख हुआ यार, सीरियसली भाई के लिए, भाईजान के लिए दुख होता है, और ऑब्वियसली यार बहुत ज्यादा दुख था, ठीक है। एंड जो लास्ट में इन्होंने बात की है ना, जैसे व्यूअर्स मेरे कहते हैं हर वीडियो में जो मैं बोलता हूँ कि भाई 15 मिनट, उन्होंने कहा कि 15 मिनट जो था ना वो हमारे पूरे हिंदुस्तान को हमने हिला के रख दिया। वो सही कह रहे थे ना, यानी कि वो कह रहे थे आवाज पहले नहीं आ रही थी, लोग समझ रहे थे मर गया है। लेकिन एकदम आवाज क्या आई है 15 मिनट की। ये जो बता रही है ना आसमान, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बता रहे हैं, और उसमें खुद को इतना कवर करना और खुद को तब से स्टैंड करना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद ये आ रही हूँ स्पीच पे, और बहुत ही मतलब हिम्मत के साथ फेस कर रहे हैं, सबको बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। आप ये देखें कि वो जो रिसेंटली बात अभी कर रहे थे कि जेल के अंदर जो खाना था, कहते एक दिन कंकर है, एक दिन रेत है उसके अंदर, एक दिन नमक है, एक दिन मिर्चे है उसके अंदर, और वॉशरूम की सहूलत ऐसी है ना, बंदा बैठ सकता है ना वहाँ उठ सकता है। अब वो वॉशरूम की बात पता क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह थी जैसे गटर की पाइपलाइंस होती है ना, ठीक है, सीवरेज का कोई का निजाम नहीं होता वहाँ पे, वहां से पानी आप प्रेशर से आ भी रहा होता है, मतलब आपके कपड़े भी ना पाक होते हैं, ठीक है, ना आप बैठ सकते हो, ना साफ पानी आ रहा होता है वहाँ पे। जो साफ पानी आ रहा होता है उसकी पाइपलाइन जो होती है वो भी इसके साथ सीवरेज के साथ मिली हुई होती है। इतना बड़ा इश्यू होता है। देखो एक इंसान नमाजी बंदा है, ठीक है, वो तो ये चीज ना इतनी एक गहरी सोच रखता है ना कि उसके अगर लिबास पे कहीं भी ना अगर इस तरह का मतलब कोई गलीजा पानी लग जाए ना, तो डेफिनेटली नमाज तो होती नहीं है। लेकिन फिर उसका ईमान भी नहीं मानता कि यार मैं इसमें नमाज, तो वो यही बता रहे हैं कि 40 दिन मैं किस तरह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक नमाजी इंसान है उसके साथ तो आप थोड़ा सा इस तरह कंपेयर करो ना, यार उसको साफ पानी ला के दो। खाने का ठीक है, समझ आती है कि आप कोई दुश्मनी है, समझ आ रही है कि खाने, लेकिन यार एक नमाजी बंदा उसको साफ सुथरा ही तो दो ना, क्योंकि वो माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं, ठीक है, और दीनदार इंसान है, तो उनको कम से कम पाकिया तो दोनों यार। बट अल्लाह ने इनको ऐसे थामा है और ऐसे पकड़ा है जैसे एक मिरेकल है। बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह ताला ने आज इज्जत भी कितनी दी है। और आज इज्जत इतनी है, यकीन जाने हर एक बंदा इनका नाम लेता है, और इनकी पावर्स देख कर तो मिली यार। मैं एक और बात बताता हूँ, देखिए व्यूअर्स, ये बहुत कुछ कर सकते थे, मतलब अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, लेकिन ये पॉलिटिक्स में आए हैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जिनके राइट्स नहीं मिलते उनके राइट्स लेने के लिए, ठीक है। अभी देखिए काली माता का मंदिर था उसके लिए 10 करोड़ रुपए इन्होंने दिए, देखिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, मुझे आप ही बताएं क्या किया और इन्होंने क्या किया। कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि 10 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं। लास्ट वीडियो में मैं इनकी देख रहा था, स्पीच बात कर रहे थे, जबकि ये तो बदला ले सकते थे, बहुत कुछ कर सकते, लेकिन यार इनके अंदर
इनके अंदर मैंने देखा है कि ये हक के रास्ते पे ना सबको साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलते हैं, सबके राइट्स पे बोलते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह के लीडर का होना बहुत बड़े एजाज की बात है, लेकिन इस तरह के लीडर का सपोर्ट ना करना ये बहुत दुख की बात है, इस तरह के जाया करना। सो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत, स्टे विद अस।